वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। तो जो लद्दाख है ना, वो डेजर्ट है, माउंटेनियस एरिया में। तो जो माउंटेन होते हैं ना, तो वहाँ पे लद्दाख है। और वहाँ पे वो कहाँ पे लाई करता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और वहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर रेन नहीं होती। और हर एक प्लांट के ग्रोथ के लिए रेन चाहिए होता है, जैसे ह्यूमंस को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो वैसे ही उनको भी वाटर चाहिए होता है। अगर हम लोग उनको वाटर नहीं डालेंगे तो उन लोग भी मर जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत कम ही प्लांट्स एंड ट्रीज उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती, और होती है तो भी वेरी लिटल, बहुत कम होता है। एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लोग ना कोई कोई प्लांट उगाते, क्योंकि लोगों को वाटर चाहिए होता है पीने के लिए, और जो उनको स्नो होता है, वो स्नो को उन लोग मेल्ट करते हैं, मतलब पिघला देते हैं वो स्नो को, और फिर उन लोग उसका बनाते हैं वाटर, पानी। तो फिर उन लोग वो ड्रिंक करते हैं समर मंथ्स में। जो पीपल होते हैं ना वहाँ के, वो शीप और गोट का हर्ड होता है उनके पास। तो जो गोट और शीप होती है ना, उनको स्पेशल प्रोड्यूस करती है क्या, पश्मीना वूल। जो वूल प्रोड्यूस करती है, और वो उसका नाम है पश्मीना वूल। तो जो पश्मीना वूल है, वो बहुत हॉट हमारे हीट देगी हमारे बॉडी को, क्योंकि वहाँ पे ऐसे जीन्स टॉप नहीं चलते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे हीट लगे। हमें गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, वुलन क्लोथ्स चाहिए होते हैं। तो शीप और गोट है ना, उनको ना वुल पश्मीना वुल देती है। तो उन लोग वही किसी के शॉल बना कर पहनते, किसी का टी शर्ट बना कर पहन लेते, तो उन लोग वैसे ही करते हैं। और वो बहुत महंगा आता है, पश्मीना वुल बहुत महंगा आता है, जो कश्मीर में ट्रेडर्स सेल करते हैं। और जो पीपल होते हैं ना वहाँ के, वो मिल्क और मीट खाते हैं, और मिल्क और मीट के प्रोडक्ट जैसे चीज़, बटर। और हर एक फैमिली के पास वहाँ पे चीज़ और बटर होता है, मतलब हर एक फैमिली के पास वहाँ पे चीज़ और बटर नहीं, सॉरी, उनका खुद का गोट या काऊ या डोजेस उनके खुद के होते हैं, याक और एनीथिंग, तो उन लोग खुद के होते हैं। बीन अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासिस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल वॉट इज टूडे कॉल्ड टेबिट। तो जो वाकई जो लोग होते हैं, वो उनके खाने के लिए, मतलब वाटर तो अच्छे से मिलता ही नहीं उनको, तो उन लोग है ना कारवान में जाते हैं, कारवान में। तो जो ट्रेडर्स लोग होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, तो वो कारवांस में जाते हैं, और वो अभी उसे बोलते हैं टिबेट। दिस टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो ये सारी कारवांस क्या लेके आती है, टेक्सटाइल्स लेके आती है, स्पाइसेस लेके आती है, कारवांस लेके आती है, सॉरी, सिल्क लेके, रॉ सिल्क लेके आती है, कारपेट्स लेके आती है। बुद्धिज्म रिच टिबेट विया लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटल टिबेट। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। तो जो बुद्धिज्म है, वो वहाँ पे पहुँचे, तो रीच मतलब पहुँचना, तो उन्होंने देखा कि हम जो लद्दाख है उसे भी टिबेट, लिटल टिबेट बोल सकते हैं। तो जो लद्दाख है उसे हम क्या बोलते हैं, लिटल टिबेट, फुल टिबेट नहीं, लिटल टिबेट, मतलब वो थोड़ा पार्ट टिबेट का है उसमें। तो वहाँ पे जो इस्लाम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो रीजन में उन लोग 100,000 ईयर अगो वहाँ पे थे, और उन लोग उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी इस्लाम लोगों की। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख है ना, वो बहुत रिच, हम लोग पोएम्स बोलते हैं, गाना गाते हैं ना, तो उसमें बहुत रिच है वो। लोकल वर्जन्स ऑफ द टिबेटन नेशनल इपिक्स द केसर सागा आर परफॉर्म बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट।
तो एक डांस है केसर सागा। तो केसर सागा ना वो किसने गाया था, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट ने मिलके गाया था, तो उसका नाम रखा केसर सागा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय।